हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे हम शाम की चाय के लिए बहुत ही कम तेलिया और बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड पकोड़े की रेसिपी, वो भी लाल वाली सेजवान सॉस और हरी वाली चटनी के साथ। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने 4 से 5 लेने हैं बॉयल आलू और इनको छील लेना है। उसके बाद इनको एक बाउल में डाल देना है और उसमें डाल देना हमने अजवाइन, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और फिर इसमें डालना है खूब सारा हरा धनिया और इसको फिर एक बार अच्छे से मैश कर देना है और मसाला तैयार कर देना है। उसके बाद ले लेनी हमने ब्रेड और ब्रेड में ये मसाला अच्छी तरह से लगा देना है और दूसरी ब्रेड से इसको ढक देना है। और फिर हमने ले लेना है एक बॉल और उसमें 1 से 2 कप बेसन मिलाना है और उसके साथ मिलाना है 1 कप कॉर्नफ्लोर का। उसके बाद अब डालना है इसमें अजवाइन, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के पानी मिला देना है और हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से फेंट देना ताकि इसमें गांठे ना बने। और इस तरह से तैयार हुए गोल में हमने ब्रेड के पीसेस डाल देना है और इनको गरम तेल में फ्राई कर देना है। और इस तरह से हमने 2 से 3 मिनट तक गरम तेल में एक साइड पकने देना है और एक साइड पकने के बाद इसको हमने दूसरी साइड भी उसी तरह पका देना है। और इस तरह से ब्रेड पकौड़ा पक के तैयार हो चुका है। इसको डाल देना है प्लेट में और 2 हिस्से करके चटनी के साथ गरम गरम सर्व कर लेना है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।